देख रहे हैं जयवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी से है, जहां ठाकुर शिव मनोहर सिंह चौहान कोतवाल साहब मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट कुचामन सिटी के तत्वाधान एवं एंड्स जयपुर हॉस्पिटल के सौजन्य से त्रुणा मेडिकल व जांच केंद्र परिसर में निःशुल्क चिकित्सा जांच व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ लायंस क्लब कुचामन फोर्ट के संस्थापक अध्यक्ष लाइन राम काबरा, सचिव लाइन द्वारका प्रसाद कुमावत, समाज सेवक पंडित मधुसूदन शर्मा, ठाकुर शिव मनोहर सिंह चौहान मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह चौहान व संरक्षक कुंवर देवी सिंह चौहान, मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर संयोजक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी गुप्ता, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश धनखड़, जनरल फिजिशियन डॉक्टर सोनू अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मेहता, अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एम खत्री ने 148 रोगियों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया एवं शिविर में रोगियों की बीपी की जांच दरबीन शर्मा व शुगर की जांच विनोद शर्मा एवं बबलू सिंह द्वारा, ईसीजी की जांच दिनेश व नंदिनी राठौड़ द्वारा निःशुल्क की गई। मार्केटिंग मैनेजर बजरंग सिंह मंडौरी ने बताया कि एम्स जयपुर हॉस्पिटल राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर, सीजीएसएच, रेलवे, आयुष्मान भारत, जिप्सा एवं अन्य प्रमुख टीपीए से इलाज के लिए अधिकृत है। युवा नेता दलपत सिंह गच्छीपुरा, कर्णी सेना अध्यक्ष मंजीत सिंह, लॉयंस क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने शिविर का अवलोकन किया। शिविर में जय सिंह चौहान, शिवसेना नरेश शर्मा, सतवीर सिंह, वेणुगोपाल शर्मा, अविनाश शर्मा, प्रताप सिंह, मोहसिन, आयुष शर्मा आदि ने सेवाएं दी। कुचामन से श्रीराम स्वामी की विशेष रिपोर्ट।